बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें क्वेश्चंस करेंगे 5 to 12। तो इसमें हमने सोल्व क्या करना है, हमने सोल्व करना है इन इक्वालिटीज़ एंड शो दी सोल्यूशन। इन इक्वालिटीज़ को हमने सोल्व करना होगा और उसका जो सोल्यूशन होगा वो हम शो कराएंगे सेट्स ऑन दी रियल लाइन। रियल लाइन के बारे में बच्चे हम जानते हैं, रियल लाइन हमारी इस तरह से होती है, दरमियान में ज़ीरो होता है, यहाँ पर जो है सारी पॉजिटिव में होती हैं वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पर सारी नेगेटिव, -1, -2, -3, इस तरह से ये हमारे पास होती है रियल लाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमें इन इक्वालिटी दी हुई है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 2 बार 4 है, तो ठीक है, -x > 2। अब इस माइनस को ख़त्म करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय -1, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गया, उसके बाद यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इस रियल लाइन पे जो है इसको शो कराना है। अब यहाँ पर जो हम शो कराएंगे तो 2 चीज़ें देखनी है, पहली ये कि ये जो एक्स है अगर ये लेस देन होगा तो आपने इस साइड पर, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ वाली साइड पर आपने क्या करना है, लाइन को बोल्ड कर देना है, ठीक है जी। अगर एक्स जो है ग्रेटर देन होता तो हम इस वाली साइड को बोल्ड करते, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन है, इसीलिए हम इस वाली साइड को क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ वाली साइड को बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है जी -2, तो यहाँ पर हमने -2, अब ये बबल है, अब इस बबल को फिल भी करना है, किसी जगह पर ये फिल है और किसी जगह पर ये फिल नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से एक्स जो है लेस देन -2 है, अगर यहाँ पर इक्वल भी होता, इक्वल यानी कि अगर ये हमारे पास होता एक्स लेस देन इज इक्वल टू -2, फिर हमने इस बबल को क्या करना था, फिल कर देना था, ठीक है, जहाँ पर ये इक्वलिटी का साइन होगा फिर हम बबल को फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास -3x > 5 -8 हो जाएगा, ये 8 यहाँ पर आएगा, -8, इसके बाद हमारे पास -3x > अब यहाँ पर क्योंकि इजिकल टू का साइन है तो इसीलिए यहाँ पर देखें बबल को हमने क्या करा, फिल किया हुआ है, और यहाँ पर उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो x < 1। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो लेकिन ये इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन हो गया, तो एक्स क्योंकि लेस देन आ रहा है तो इसीलिए हमने इस साइड पे इस लाइन को बोल्ड कर दिया, और क्योंकि इज इक्वल टू है इसीलिए हमने इस बबल को फिल कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये जो 3x है यहाँ पर आ गया, प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 8x > 10 है। दोबारा से इसको सोल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है, एक्स जो है वो लेस देन इज इक्वल टू है, लेस देन है, तो यहाँ पर इस वाली साइड से लाइन को बोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू है, इसीलिए इस बबल को फिल कर देंगे, बाकी हमारे पास ये जो आंसर आता है वो हमने यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से हमने इसको अरेंज करना है, -3x है, ठीक है, ये जो रकम है यहाँ पर आ जाती है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, उसके बाद ये जो 6 है और ये वाला 6 यहाँ पे आके -6, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 0। उसके बाद यहाँ पर इस 5 को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा आगे, -x > 0। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर साइन इसका जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन एक्स था, यहाँ पर लेस देन एक्स हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो लाइन देखें, यहाँ पर ये लाइन इस साइड को होल्ड करना है क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन है और इज इक्वल टू जो है वो नहीं है, इसीलिए हम इस बबल को ऐसे रहने देंगे, फिल इसको नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसको हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखें ये है -1/2, वैसे का वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको जो है यहाँ पर लेके आऊँ -7/6 होएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब ये जो 7x इसको मैं यहाँ पर लेके आती हूँ -2x, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है आंसर आता है वो ये है हमारे पास -5/15 है, ठीक है, ये हमारा आंसर, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आता है जो कि हमारे पास ग्रेटर इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पर देखें एक्स क्या है, लेस देन है, एक्स जो है लेस देन है, तो इसीलिए हमने लाइन को इस तरफ से बोल्ड करना है और साथ में इज इक्वल टू भी है, बबल को फिल कर लेना है, जो आंसर था यहाँ पर -1/3, तो यहाँ नहीं के यहाँ हमने इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10।
अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पर देखें तो इस चीज़ को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है जी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है यहाँ पर भी, ओके। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आता है। अब यहाँ पर देखें एक्स ग्रेटर है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन टू है, एक्स ग्रेटर देन टू है तो यहाँ पर हमारे पास इस वाली साइड को, लाइन की पॉजिटिव वैल्यूज वाली साइड को बोल्ड कर देंगे, बबल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि इज इक्वल टू का साइन तो नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से होता है सोल्व। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो अब हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर इसका जो है देखें, यहाँ पर जो है इसको मज़ीद ये सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये जो है 4x/5 है ना, अब इस वाली साइड ये यहाँ पर आ गया माइनस का, उसके बाद लेस देन ये यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, बाकी ये -2 नीचे इसके 1 है, 1 इसके नीचे लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो है हमने एलसीएम लिया है, इसका भी हमने एलसीएम लिया है, ओके। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, ओके जी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर है। अब यहाँ पर देखें एक्स जो है वो लेस देन है, लेस देन है तो लाइन की इस वाली साइड को बोल्ड कर दिया, और यहाँ पर इज इक्वल टू तो नहीं था इसीलिए फिर हमने बबल को ऐसे रहने दिया, फिल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो इसको मैं इस 2 को लेके आती हूँ। मैं देखें इस 2 को हम यहाँ पर लेके आते हैं, इस 4 को यहाँ पर लेके आते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब दोबारा से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब दोबारा से यहाँ ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद इसको जो है -10x हो जाएगा, उसके बाद ये लेस देन इज इक्वल टू जो है 44, उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आएंगे, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये जो हमारा साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये -- प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ठीक है, तो x जो है वो ग्रेटर देन है तो इसीलिए इस लाइन को, रियल लाइन को इस वाली साइड को बोल्ड कर देंगे, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है, इज इक्वल टू भी है, इसलिए इस बबल को हम फिल कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।